ऐसा समझते हैं। लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण बात है, सब क्षेत्रों में वो बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसको व्यवस्था के अंदर धीमे धीमे हम उसकी ओर ध्यान जितना देना चाहिए नहीं देते। और शिक्षा का अर्थ जानकारी का आदान प्रदान। एक जानकारी जो कहीं पुस्तकों में है या अन्य स्थानों पर है, हम जो शिक्षा के हमारे मस्तिष्क है, उस जानकारी को ध्यान से वहां का हस्ताक्षर करना, ऐसा ही शिक्षा का स्वरूप बन गया है। दुर्गा से ये आवश्यक, इसमें कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन लिखना ही नहीं, क्योंकि वो शिक्षा अगर केवल जानकारी हो तो यंत्र से नहीं मिल सकती, एक जीवित व्यक्ति की उसके लिए आवश्यकता। केवल पुस्तकें, पुस्तकें आदमी थोड़ा सा भी ठीक हो पुस्तक पढ़ के जानकारी ले सकता है, अन्य जिसको कहते हैं कि ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट है उससे जानकारी मिल सकती है। तो शिक्षक नाम का जो जीवित व्यक्ति और प्रत्यक्ष संपर्क से वाणी से और उससे अधिक आचरण से जो छात्र विद्यार्थी के साथ क्रिया प्रक्रिया होती है, संवाद होता है, संपर्क होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम संस्कार कहते हैं। तो शिक्षक का काम संस्कार भी है, ये बात ठीक है कि परिवार में माता पिता और बाकी लोग और परिवेश कुछ हद तक उपासन पद्धतियां जो भी इसका भी उपयोग करता होगा, कुछ पवित्र साधु संत महात्मा लोग, ये सब एक व्यक्ति को संस्कारित करते हैं। लेकिन हमारा अनुभव कि बच्चा जिस संस्कार को सीख को भी जानकारी को भी सीख को भी संस्कार सबसे अधिक गहराई से ग्रहण करता है वो माता पिता से, शायद बहुत बचपन में करता हो अनुभव ना हो, लेकिन विद्यालय में जाने के बाद जो शिक्षक उसको पर पहुंचता है वो इतनी गहराई से कहता है कि आप लोग भी पालक हो, शिक्षक भी होंगे पालक हो, आपका बच्चा कई बार आपको ये कहेगा कि नहीं आपकी बात सही नहीं है, हमारी ड्यूटी ने ये बताया वो बात सही है, वो उस पर प्रमाण ना, इसलिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनती है। और वनांचल के शिक्षक जहां वनांचल के लगभग भोले भाले अप्रदूषित ऐसे छात्र जिस क्षेत्र में रहते हैं उनको वैसे ही अप्रदूषित और अधिक अच्छे संस्कार से बना, ये अधिक महत्वपूर्ण दायित्व है वनांचल के शिक्षकों का है। शहरों के शिक्षकों पर कुछ और दायित्व प्रदूषण से बचा, वो तो पता नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन ये जो विज्ञान की बात है ये जानकारी अवश्य अनिवार्य है। और ये यादव विज्ञान विभाग के माध्यम से मिलने वाला मिलने वाली सामग्री वो किसी किट के रूप में, किसी पुस्तकों के रूप में, किसी प्रयोगों के बारे में जानकारी के कुछ लेकर जो आप करेंगे, जो आप करेंगे उनसे करवाएंगे आदि आदि के माध्यम से जो जानकारी आवश्यक है वो होगी। लेकिन प्रेम का और जानने का कर्तव्य उत्कंठ जिज्ञासा और किसका कुछ जो हमारा परिवेश हमारे चारों में जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, जो भी स्थिति है, जो भी व्यक्ति है, जो भी प्राणी, जो भी खनिज,
ये इसके बारे में जानना है। आदमी जानता तभी है जब प्रेम जिससे हम प्रेम नहीं करते उसके बारे में जानते नहीं। कुछ आत्मीयता, कुछ खिंचाव, कुछ लगाव, मुझे कुछ लोग मिला, व्यक्ति मिले तो बातचीत में मुझे थोड़ा सा लगा हो गया। अगर एक थोड़ा स्वास्थ्य की बात छोड़ दी जाए, अगर आंतरिक लगाव हो गया तो मैं जानना चाहूँगा अपना नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, मेरा उनका संवाद कैसे बन सकता है। तो ये सब जैसे जीवित प्रणी के बारे में भी परिचय की बात होती है तो वैसा ही हमारे संपूर्ण परिवेश के साथ हमारा परिचय है, वे सब लोग हमसे परिचित हो जाए। इस बात का स्वभाव, इस बात की थोड़ा से गलत उसका संस्कार निर्माण करने से फिर उनके बारे में जानकारी या उनका परिचय प्राप्त करना बहुत आसान होता है, बहुत अधिक आसान हो जाता है, बल्कि स्वयं में हो जाता है, स्वाध्याय के रूप में हो जाता है। वो हमारा छात्र अगर उसके मन में हमने यह संस्कार दिया, ये जो परिवेश है, ये जो प्रकृति है, ये मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ है, ये जल है, जल देवता है, वायु देवता है, वृक्ष देवता है, गंगा के अंदर में जो होना है, थोड़ी थोड़ी विषय कही है तो हम उसको अधिक बलवती बना सकते हैं। लेकिन ये जो देव स्वरूप है, ये जो मातृ स्वरूप है प्रकृति, वो केवल पूजा पाठ करके और हम पे संतुष्ट होकर कुछ हमको वरदान दीजिए, इस तरह की भावनाओं को हटा कर कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें डालना। पूजा करते हैं देवता के, क्या करते हैं अपने घर में जो मूर्ति होती है उसकी पूजा करते हैं, क्या करते हैं उसको एक जगह सज्जित करते हैं, उसको स्वच्छ रखते हैं, उसको गंदा नहीं करते, उसको सज्जित करते हैं, उसको कुछ देते हैं भोग के रूप में और अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसकी रक्षा। ये पूजन थोड़ा बहुत अक्षत रोड़ी चंदन पुष्प सज्जा करने की बात है, लेकिन मूल रूप से रक्षित पालित पोषित कहते धर्मो रक्षित रक्षिता, देवो रक्षित रक्षित, जिन देवों की रक्षा हम करेंगे वो देव हमारी रक्षा करेंगे। श्रीमद भगवद गीता में सहयज्ञा प्रजापिता पुरोवाच प्रजापति इस पंक्ति से शुरू हो के पांच शेष श्लोक है, उसमें एक पंक्ति है परस्परम भावनंत श्रेयम परम आपद। प्रजापति ने प्रजापति निर्माण किया, उसके बाद यज्ञ निर्माण किया, उस यज्ञ के माध्यम से ये कहा कि तुम देवों को इस यज्ञ के माध्यम से संतुष्ट करो। ये देव क्या है तो संस्कृत डिक्शनरी उठाइए, उसमें देव की परिभाषा अर्थ किया है जो द्युतियुक्त है और जो गतियुक्त है, इसमें ऊर्जा है, इसमें तेज है और जिसमें गति, गति भी ऊर्जा है, गति जो ऊर्जा भी है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो बाहर निकलती है, जो पोटेंशियल होती है अंदर होती है, अंदर नींद होती है उसको ओज कहते हैं, और जो बाहर निकलती है निष्कृत होती है एमिट होती है उसको तेज कहते हैं। अरे शब्दावली अभी हमको विभिन्न प्रकार से मालूम है, हम तेज मतलब पता नहीं क्या समझते हैं, ऊर्जा का संबंध नहीं है, तो एनर्जी विद एमिटेड आउट इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ अदर फैक्टर्स, और जो अंदर पोटेंशियल होती है, जो केमिकल स्वरूप की होती है, जो न्यूक्लियर होती है, वो ओज होता है। हम कहते हैं एक व्यक्ति ओजस्वी है, एक व्यक्ति तेजस्वी है, तो उसके अंदर तो ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा कहते हैं कार्य क्षमता प्रभावशीलता, तो वो बातें भी जिन जिन में है और गतिशील है, गति में ऊर्जा है, एक न्यूक्ली से लेकर और उपग्रह तक, ग्रहों तक, तारों तक, इन आकाश गंगा तक हर वस्तु गतिशील है, अर्थात हर वस्तु देवता है। इन देवताओं का अर्थात सोर्स ऑफ एनर्जी,
अर्थात संसाधन रिसोर्सेस एवं वाटर रिसोर्सेस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी नहीं कहते हम, वायु देवता, जल देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, उन देवों की बात, उन देवों को संतुष्ट करोगे तो वे देव तुमको तुम्हारे उपजीविका के लिए, आपके योगक्षेम के लिए, योगक्षेम वहां में इस अर्थ में वो देव आपका योगक्षेम चलाएंगे। आप उनकी रक्षा नहीं करोगे, प्रसादों का उपयोग भी आता है, केवल रचना नहीं आता, उनकी साधना, उनकी उपासना ये भी आता है। तो साधना उपासना सूर्य देवता सूर्य नमस्कार जब करते हैं तो सूर्य के तेज से मिलने वाला जो कुछ ऊर्जा है वो हमको शरीर में मिलती है। तो ये सूर्य नमस्कार की उपासना है विभिन्न देवताओं, विभिन्न उसके कर्मकांड युक्त प्रकार दिए और व्यावहारिक प्रकार दिए, उसमें उसको समझ जानना अंतर्बाह्य को तो खुद जानना, ये विज्ञान केवल उपयोगिता अत्यंत भौतिकता होने से कभी कभी उसका नाश होता है। और एक बड़ा दुखद प्रसंग मुझे देखने को मिलता है, यहाँ पर जो वनोपज खरीद कर उसको औषधि बनाने के लिए जो वनौषधि बोर्ड है उन्होंने उनके अधिकारियों ने कहीं कासोली क्षेत्र में बस्तर में और त्रिफला बनाने के लिए और आंवला चाहिए और वो आंवला हम खरीदेंगे ऐसा कुछ प्रसाद किया और शायद कीमत जो उनकी अच्छी रखी थी। तो मेरी पत्नी एक इंटरव्यू जगह दी है तो वही क्षेत्र में आंवले का अचार महिलाओं को सिखाने के लिए जब वो गई वहाँ उसको जानकारी मिली कि आंवले का एक पेड़ भी वहाँ उपलब्ध नहीं था। उस आंवले को तुरंत बेचकर और फटाफट पैसा कमाने के चक्कर में लोगों ने आंवला गिराकर पिकअप करने के बजाय डाली की डालियाँ काटती, कई कई वृक्ष काटती, सारा सारा आंवला इकट्ठा किया और जैसे वो आदमी था जिसने रोज एक सोने का अंडा देने वाले मुर्गी को कितने अंडे उसके अंदर होंगे ये सोच के काट दिया था, वैसे उन्होंने वहां के आंवले का सारी फसल खत्म। तो कारण क्या, अब अनुवासी लोग थे कहीं मोहित और प्रदूषित हो गए थे पैसे के चक्कर में, मतलब अनुवासी कोई पेड़ नहीं काटे तो पूजा करता, तो लेकिन प्रदूषण आ गया। तो भावना जो उसकी प्रकृति है, जो भी संसाधन है, उस भावना का संस्कार जगाना, यह हम शिक्षकों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। विज्ञान की जानकारी देते देते केवल भावना जगाना ही पर्याप्त नहीं है, भावना तो है लेकिन उसका वैज्ञानिक प्रकार से उसका तो देखने का दृष्टिकोण नहीं है, केवल भावनिक, केवल एक प्रकार का पारलौकिक ऐसा दृष्टिकोण, वो कमरा भरा करेगा, उसकी मुन्नत मांगो, फिर बड़ का पेड़ जो है मुझे संतान देगा, ऐसा कुछ विचित्र प्रकार की सकाम और भक्ति जागृत होती है। इसलिए विज्ञान की आवश्यक और जो अंदर श्रद्धाएं एक प्रकार से बिना कारण की जो वैज्ञानिक नहीं है जो जुड़ी हुई है, तो उसमें जो भावनात्मक लगाव है वो रखते हुए और इन प्रकार के अंधविश्वासों को दूर करते हुए उनके स्थान पर उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करते हुए एक प्रकार का संपूर्ण शिक्षा और संस्कार हमारे छात्रों को देना, ये हमारा उत्तर है। ये चाणक्य का देश है और इस देश में जब कभी कोई क्रांति हुई, जब कभी कोई सुधार हुआ, जब कोई परिवर्तन हुआ बड़ा, उसके पीछे चाणक्य से लेकर समस्त रामदास स्वामी तक हर बार शिक्षक या गुरु ही उसके पीछे रहा। तलवार चली होगी तो उत्तम हो रही, तलवार चली होगी छत्रपति शिवाजी की, लेकिन उस तलवार के पीछे जो कड़ाई थी, उस कड़ाई को चलाने के लिए जो मस्तिष्क था, उसमें जो संस्कार, उसमें शिक्षा जो थी वो किसी गुरु ने भरी, तब वो तलवार चली। तो विज्ञान की तलवार भी चली, तो इसके पीछे हमारे जो भावी पीढ़ी है
उन विद्यार्थियों को विज्ञान की सैद्धांतिक, प्रायोगिक, व्यावहारिक और उसके साथ साथ जो तकनीकी कहानी सुना है, जिसमें संसाधनों का अवस्थान्तरण, संसाधनों का स्थानांतरण, संसाधनों का रूपांतरण, संसाधनों का गुणांतरण करके उन संसाधनों को अधिक नष्ट न करते हुए उनकी सुरक्षा करते हुए और अधिक अच्छी उपयोगी प्रभावशाली वस्तुओं में उसका परिवर्तन करना, ये उसका प्रौद्योगिकी या तकनीकी का हिस्सा है। उसके लिए वैज्ञानिक जानकारी भी चाहिए और उस वैज्ञानिक जानकारी के सैद्धांतिक जानकारी के आधार पर हम तकनीकी में जाकर वो जो संसाधन है, जो मातृ स्वरूप है, जो देव स्वरूप है, उनका रूपांतरण अधिक उपयोगी वस्तुओं में करने का जो सारा प्रवाह, इस प्रवास के लिए जो विज्ञान का लोकव्यापीकरण कहते हैं, तो वो लोकव्यापीकरण इस श्रद्धा के साथ, इस भावना के साथ, इस प्रेम के साथ और उसके संस्कारों के साथ जाएगा तो ही वो काम करेगा, वरना बहुत बड़ा भय है कि वो कहीं ही प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करने वाला है, ऐसा खतरनाक काम बन जाए। अगर उसे केवल उपयोगिता की बात है, तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इतनी जानकारी मिल जाएगी, विवेक नहीं मिलेगा तो मुर्गी अटकती रहेगी। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रकृति का संरक्षण, इस पार्श्वभूमि में ही असंवर्धन, ये जो यज्ञ है, जो कहा गया कि यज्ञ के माध्यम से देवों को संतुष्ट करना, ये प्रतिपूर्ति परिपूर्ति करने के साधन है। एक निरहंकार निस्वार्थ होकर, अब मैं अन्य मजहबों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ मजहब ऐसे हैं सेमेटिक, इसमें कहा गया कि भगवान ने प्रजा को निर्माण किया और बाकी सब निर्माण किया, कहा कि ये सब तुम्हारे उपभोग के लिए है, उसका उपभोग करते रहो। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि भैया तुम्हारे लिए तो बना है, यज्ञ के माध्यम से उन देवों को संतुष्ट करो, तो प्रतिपूर्ति वापस करना, संवर्धन भी करना, संरक्षण के साथ साथ उसका संवर्धन करना, ये संस्कार भी आना पड़ेगा।